नमस्कार, संसार क्रांति न्यूज़ रूम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और रुख करते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। जैसा कि आपको पता है, दीपावली का पर्व है और जनता में पूरा उत्साह है। जिस तरह से प्रदेश की जनता में उत्साह है, इसी तरह से राजनीतिक दलों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रैलियों का दौर चला हुआ है, कुछ रैलियाँ हो चुकी हैं तो कुछ करने की तैयारी में है। अभी गत दिनों बड़ौदा विकास रैली की बात करें तो जहाँ अनेकों दिग्गज वहाँ पर दिखाई दिए और जो कार्यकर्ता हैं ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम में पहुँचे, और आश्चर्यजनक बात यह है कि समर्थक कमेंट्री करते हुए नजर आए। इसी तरह से जैसे भाजपा की रैलियों की बात करें तो इनेलो के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रदेश के सभी राजनीतिक दल इस समय पूरे एक्टिव मोड में हैं और अपना अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में है। इसी को दर्शाती हुई देखिए आप हमारी है खास रिपोर्ट। बड़ौदा रैली में महामंडलेश्वर स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज जी का काफिला बहुत भारी संख्या में बड़ौदा रैली में जाते हुए, स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज जी का काफिला, कितना मनमोहक दृश्य है। आज कुछ चुनिंदा लोग जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो निर्णय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लेंगे, उस निर्णय का मैं और दिग्विजय सिंह स्वागत भी करेंगे। और मैं तो आज आपके बीच में दोबारा ये चीज कहूंगा कि चौटाला साहब की ओर से हमें पार्टी से निष्कासित करने का जो निर्णय लिया गया, मैं उसको सर माथे लगाकर स्वीकार करता हूं। और मेरे लिए आज ये गर्व की बात है कि जरूर हर पोते का सपना होता है कि दादा उसको अपनी उंगली देकर चलना सिखाए। मैं आभारी हूं कि चौटाला साहब ने चलना भी सिखाया, उनके दिशा निर्देश से विदेश में पढ़ाई करने भी गए, उनके दिशा निर्देश से जहां जिम्मेवारी लगी 13 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक निरंतर पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ निभाने का काम किया। वकील कब आता है, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आता है। तो साथियों, चाहे बात किसान की होगी, हम स्वामीनाथन इनकी तरह झूठे आश्वासन नहीं देंगे। इनकी तरह रूपावास इलाहाबाद में जो विपक्ष के नेता की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किसानों को 49 दिन टंकी पे चढ़कर के संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उनका मुआवजा समय पे मिलेगा, उनकी फसल का दाम समय पे मिलेगा। हम चुनावी वर्ष में 200 रुपए बढ़ाकर ये नहीं कहेंगे हमने A2 C2 B2 कर दिया। रोज इनके नए नए जो है इनके मंत्री फार्मूले पढ़ाते हैं। अरे फार्मूले नहीं पढ़ने,
अगर यहाँ का किसान भाई रेडू, भाई रामू, भाई श्यामलाल, भाई घनश्याम सिंह और कोई दूसरा जो है, अगर आज इस मंच में और इस पंडाल भाई साहब इस तरह कप्तानी पार्टी किसी की बाप होती नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो इन लोगों की है, इन लोगों ने से खून पसीने से मेहरबानी करके जिन लोगों ने खून पसीने से सींचने का काम किया। मैं तो जब राजनीतिक तौर पे सूझबूझ पकड़ी संघर्ष शुरू किया तब से लेकर के निरंतर आप लोगों के सहयोग से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, चाहे इस गांव की गलियों की धूल फांकने की बात थी, चाहे शहर की दलित कॉलोनियों तक पहुंचने की बात थी, चाहे हरियाणा प्रदेश की सड़कों का एक एक इंच नाप करके इस पूरे हरियाणा प्रदेश को जन आक्रोश यात्रा के तहत नापने की बात थी, चाहे कभी मोटरसाइकिल यात्रा करने की बात आई और चाहे कभी कोई और संघर्ष की बात आई, सदैव आपके साथ आपके बीच में खड़ा होकर के उसे निभाने का काम किया। और आप लोगों ने उससे भी ज्यादा प्यार स्नेह और आशीर्वाद सदैव दिया, मुझे इस बात की अपार प्रसन्नता है कि आज थोड़े से समय के नोटिस पर आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। आपका यहाँ आना ही इस बात को स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि आपकी भावनाएं क्या है। मगर ये आज उनने सभी तमाम साथियों को बताने का काम किया है कि संगठन जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, संगठन अगर चलता है तो वो कार्यकर्ताओं से चलता है।